यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 9th के लिए ये थर्ड यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर हैं कि आईसीटी का एक फुल फॉर्म एब्रिविएशन यहाँ दिया कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की फुल फॉर्म है। जस्ट आईसीटी की हेल्प से बहुत सारे काम हम सॉल्व करते हैं, या अगर हम देखें आज की डेट में हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं या डेली लाइफ के इस तरीके के हमारे काम हो गए हैं जो हम बिना आईसीटी की हेल्प से कर ही नहीं पाते हैं, चाहे वो हमारा टेलीविज़न हो, रेडियो हो, या हम किसी भी तरीके का डिजिटल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हो गए हैं जहाँ पर हम मल्टीमीडिया डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ये सभी आईसीटी का पार्ट हैं। हमें इसी आईसीटी की एक जनरल अवेयरनेस आए इसलिए ये यूनिट को क्रिएट किया गया। थ्रू विच वी टॉक इंटरनेट फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन विद अदर्स थ्रू ईमेल सोशल नेटवर्किंग साइट्स टीवी शोज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आईसीटी को लेकर के। और बेसिकली आईसीटी स्किल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट, आईसीटी की जितनी भी स्किल्स हैं वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। रन आर बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद आर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Every person needs to acquire ICT skills and build them to stay updated with the latest software and applications. तो जितने ज़्यादा आप latest application के साथ जुड़े हुए होते हैं उतना ही ज़्यादा आप एक बहुत बढ़िया काम ICT की help से कर पाते हैं। Session 1 Introduction to ICT. Information can be recorded, stored in many ways. तो अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो कई तरीके से रिकॉर्ड की जा सकती है, डिजिटल फॉर्म में, फिर वो कंप्यूटर्स में जब रिकॉर्ड होती है तो एक डिजिटल फॉर्म के अंदर वो डेटा आ जाता है। और ये डेटा जितना भी हम डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं वो हम किसी भी मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, या अदर किसी भी हम एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जिस तरीके से हम इसका पूरा प्रोसेस समझें तो डिजिटल फॉर्म में किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना या वीडियो को रिकॉर्ड करना, फोटो को क्लिक करना, MP3 सॉन्ग्स को सुनना, अपने स्मार्टफोन्स में वीडियोस को देखना, तो ये सब एक कहीं ना कहीं आईसीटी का पार्ट है। तो बेसिकली आईसीटी की अगर हमें नीड है तो हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता भी होती है, ज़रूरत भी होती है। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता हो जाती है नोइंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, नोइंग हाउ टू ब्राउज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग स्टोरिंग एंड डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, हम किस तरीके से इंटरनेट को ब्राउज करें, कलेक्ट डाटा कैसे निकालें और किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करके उसको संभाल के अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आईसीटी एट वर्कप्लेस, तो आईसीटी का वर्कप्लेस पे बहुत बड़ा रोल है, चाहे हम किसी बैंकिंग सिस्टम के अंदर हों, किसी भी एक हम पर्टिकुलर कंपनी के पार्ट्स पर काम कर रहे हों तो वहाँ पर आईसीटी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की क्रिएशन को लेकर हो, कैलकुलेशंस को लेकर हो, टेबल्स हो, ग्राफ हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट हो। और मॉडर्न आईसीटी की कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें टेक्स्ट, ग्राफ, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, इन सब का जो मिक्सचर होता है वो हमारा मल्टीमीडिया बन जाता है। और मल्टीमीडिया को साथ लेके चलने वाली जो एक टेक्नोलॉजी है वो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, आईसीटी है। आईसीटी एट होम, तो हम घरों में भी आईसीटी का इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, या हम अपने घर पर टीवी पर वीडियोस देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस देख रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से हम मैच गेम्स खेल रहे हैं, तो दीज ऑल थिंग्स वी आर डूइंग आर होम। सो दिस इज़ द आईसीटी एट होम। यहाँ पर और भी कुछ आईसीटी के यूज़ के बारे में बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, अपैरल्स में, लॉजिस्टिक्स में, हेल्थ केयर में, कहाँ कहाँ पर आईसीटी का हम यूज़ कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें थोड़ा सा भी तो आजकल हर फील्ड में हम आईसीटी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। सेशन 2 आईसीटी टूल्स स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। So smartphones and tablets are becoming more and more important as most people carry them around them. तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन और टैबलेट्स का ही टाइम चल रहा है। आजकल हमने कंप्यूटर्स, लैपटॉप को भी यूज़ करना धीरे धीरे बंद सा कम सा कर दिया है और हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ अब अपने स्मार्टफोन से ऑपरेट हमने करना शुरू कर दिया है। सो बेसिकली स्मार्टफोन्स हम सबको पता ही है कि इसमें पावर बटन होता है, आपका ऑन ऑफ का सिस्टम होता है, पहले की केवल आप कॉल सुनने के काम आता था। बट अगर हम आज की डेट में बात करें तो एंड्रॉयड के या एप्पल के या विंडोज़ के मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च होते हैं
और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च होते हैं तो उन सब के अंदर हमें वीडियो कॉल्स की फैसिलिटी, कैमरा, गेम्स खेलना, म्यूज़िक सुनना और बहुत सारे हम प्रोफेशनल ऐप्स का भी इसमें यूज़ करते हैं। सो दीज आर द स्मार्टफोन्स। टैबलेट्स भी उससे थोड़ा सा एक बिगर साइज़ हो जाता है और एक मिनी कंप्यूटर का ये पूरा वर्क करता है। स्क्रीन जब बड़ी हो जाती है और आपका कंप्यूटर का वर्क पूरा एक टैबलेट करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर टैबलेट भी अपना एक जो है कैपेबिलिटी रखता है कि बड़े साइज पर आपको बहुत सारा कनेक्टिविटी इजीली करा देता है, आप लैपटॉप या अन्य किसी डिवाइस के यूज़ से बच जाते हैं। टीवी एंड रेडियो, तो टीवी एंड रेडियो में आईसीटी का बहुत बड़ा यूज़ हम देखते ही हैं। एप्लीकेशंस और ऐप्स, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस या ऐप्स की तो हमें एप्लीकेशन और ऐप्स का पता है सिंपली कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑपरेट होने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशंस कहते हैं। विंडोज़ के साथ में हम उन्हें सॉफ्टवेयर कॉल करते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, या एंड्रॉयड जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें गूगल प्ले स्टोर की हेल्प से या अदर किसी स्टोर की हेल्प से हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। इसी तरीके से एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में, तो एप्पल के जो अपना स्टोर है, iOS का एप्पल स्टोर है, वहाँ से हम वो ऐप्स डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देते हैं। कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं कि फ़ोन है, कैमरा है, कैलेंडर है, मेल है, व्हाट्सएप है, फ़ोटोज़ हैं, क्लॉक है, मैप है, मैसेज है, वेब ब्राउज़र है, म्यूज़िक है, गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल स्टोर है। सो कुछ डिफरेंस हैं थोड़े थोड़े से कि हम एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ और ऐप हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अलग ऐप हो सकते हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट का एक छोटा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि मेन यूजेस में क्या डिफरेंस है, कि फ़ोन है सम एडिशनल फीचर के साथ में है, कैमरा है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है। इसी तरीके से जो अगर हम बात करें टैबलेट की तो टैबलेट की भी डेफिनेशन ऐसे ही आ जाती है। सो बेसिकली स्क्रीन साइज इसका थोड़ा बड़ा है, मोबाइल फ़ोन का छोटा होता है, हम फोटोज़ और वीडियो इसके अंदर जो है चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसके अंदर हमें अगर देखें या समझने की कोशिश करते हैं तो ये बिगर साइज होने के कारण हमें इजीली समझ में आ जाता है। मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी थोड़ा कम होती है और इसकी कोई टैबलेट्स की लॉन्गर बैटरी लाइफ आ जाती है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखें तो फ़ोन के अंदर हाई स्टोरेज कैपेसिटी वो काफ़ी कॉस्टली आ जाती है। इसी तरीके से हाई स्टोरेज कैपेसिटी टैबलेट में भी मिलती है और बहुत सारी वीडियोज़ और पिक्स आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। सेशन 3, आईसीटी टूल्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। सो मोबाइल डिवाइस का लेआउट के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपके मोबाइल में पावर बटन, स्क्रीन, बैक बटन, माइक्रोफोन, मेन्यू बटन, होम बटन, ईयर पीस, वॉल्यूम बटन, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज हैं, बेसिक कंट्रोल्स हैं जिनके बारे में बताया गया है। बेसिक फीचर्स की बात करते हैं तो सिंपली बेसिक फीचर्स क्या है कि ब्लूटूथ के अंदर कनेक्टिविटी है, चार्जेबल बैटरी है, वाईफाई की कनेक्टिविटी है, टच स्क्रीन है, कैमरा है, क्लॉक है, सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS आपकी लोकेशन के लिए, ये कुछ जनरल फीचर्स हैं जो आपको स्मार्टफोन्स में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। एक होम स्क्रीन होती है मोबाइल की, जब आप मोबाइल स्टार्ट करते हैं और फ्रंट पे जो आपकी स्क्रीन नज़र आती है तो वो आपका होम स्क्रीन होता है। आप उस पर टैप करते हैं, टैप करके आप कंटेंट को आगे पीछे मूव कर पाते हैं। टैप एंड होल्ड है, ड्रैग है, स्वाइप है, डबल टैप है, पिंच है, उनका अपना अपना एक मीनिंग है। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है इस, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं। सेशन 4, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। अब बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स हैं। सो बेसिकली अगर हम समझें कंप्यूटर के पार्ट्स को तो उससे पहले हमें तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कंप्यूटर बेसिकली तीन प्रोसेस पर वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और इन तीनों प्रोसेस के साथ जुड़े हुए जो पार्ट्स हैं वही कंप्यूटर के पार्ट्स हो जाते हैं। कि इनपुट, इट मीन्स इनपुट डिवाइस के साथ जुड़ने वाले जो पार्ट्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक है, या आप जॉयस्टिक यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी BCR, OMR, OCR, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिन्हें हम इनपुट डिवाइसेज कहते हैं, जिनके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो ये इनपुट डिवाइसेज वाला पार्ट हो जाता है। आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, तो ये कुछ आपके मॉनिटर्स आउटपुट के जो है आपके कि वो ग्राफिकल फॉर्म में कुछ आपको कंटेंट दिखाता है डिजिटली कंटेंट में, तो ये आपका एक आउटपुट यानी वीडियो हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है।
और अगर आप उसका हार्ड कॉपी में प्रिंट ले रहे होते हैं तो दैट विल कॉल्ड अ हार्ड कॉपी, वो भी आपका एक यूनिट है, लेकिन वो आपको हार्ड अरेंज आपको पेपर पे मिल जाता है। इसी तरीके से आपका कोई साउंड है तो वो आप साउंड सुन पाते हैं स्पीकर की हेल्प से, तो ये तीनों भी आपका एक जो है मोटा मोटा आउटपुट डिवाइस का पार्ट हो जाता है। इसी तरीके से प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आपका रैम हो गया है, सीपीयू है, प्रोसेसर जिसे माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, तो इस तरीके की कुछ यहाँ पर डिवाइसेस हैं जिनके बारे में पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पर वही इनपुट डिवाइस के बारे में बताना शुरू किया है कि कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट होता है, आउटपुट डिवाइस जिनके थ्रू कंप्यूटर से डेटा बाहर आता है, और कुछ कॉमन पेरिफेरल्स दे दिए हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर। तो इनमें कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, कुछ अदर पेरिफेरल्स भी हैं लाइक बारकोड स्कैनिंग, बीसीआर। आपने मॉल्स में देखा होगा कि आप सिंपली जब कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पे काउंटर पर आप जाते हैं तो वहां पे एक मशीन होती है जो हर प्रोडक्ट पर एक कोड लिखा होता है, जिसे हम बाइनरी सिंपली एक कोड होता है, बारकोड होता है, उस बारकोड को स्टडी करने के लिए जो डिवाइस होती है वो आपका बीसीआर हो जाता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सो बेसिकली इसकी तीन यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट के बारे में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग रैम एंड रोम, सो रैम एंड रोम बेसिकली पार्ट ऑफ द मेमोरी यूनिट। तो तीन यूनिट है, कंट्रोल, प्रोसेसिंग और मेमोरी। सो कंट्रोल यूनिट के थ्रू भी डेटा जो है हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, हमारा जो कंप्यूटर का सीपीयू है दैट इज काइंड ऑफ ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर, तो वही सब कुछ कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है, ऑपरेट करता है, मेमोरी में स्टोर कराने का काम कराता है। तो ये पूरा का पूरा वर्क जो है वो आपके कंट्रोल यूनिट यानी कि सीपीयू का हो जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे हम सीपीयू भी कॉल करते हैं, उसका ये रोल हो जाता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि आपके क्या इनपुट आना है और क्या आउटपुट आपको उसे बाहर देना है, इस पूरे कंट्रोल को मैनेज करने के लिए कंट्रोल यूनिट आपकी डेवलप्ड होती है। प्रोसेसिंग यूनिट में इनपुट का अपना अलग रोल होता है, आउटपुट का अपना अलग रोल होता है, तो वो अपना अपना दोनों रोल निभा रहे होते हैं, तो प्रोसेसिंग का पार्ट डन हो रहा होता है, और मेमोरी यूनिट जब आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है। सो मेमोरी यूनिट के अंदर भी दो आ जाती हैं आपकी, एक रैम और एक रोम आ जाती है, लेकिन रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, और रैम में जो डेटा है वो आपका टेम्परेरीली स्टोर होता है और रोम में आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। आपने देखा होगा कि आप जब अपना मोबाइल फोन ऑन करते हैं तो कंपनी का एक लोगो, वो कभी भी आप कंप्यूटर कितना ही फॉर्मेट कर लें या मोबाइल कितना भी फॉर्मेट कर लीजिए, वो जो लोगो है कंपनी का वो कभी रिमूव नहीं होता। इट मीन्स वो कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी में जाकर स्टोर है या मोबाइल के ऐसे एक कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर स्टोर है कि आपके मोबाइल को कितनी बार रीसेट किया जाए या आप अपने कंप्यूटर की विंडोज को कितनी बार फॉर्मेट कर लें, वो जो एक डिस्प्ले है वो कभी भी गायब नहीं होती। इट मीन्स वो एक ऐसी यूनिट में जाकर स्टोर होती है जो परमानेंट स्टोर रहती है, जिसे आपको चिप लेवल पर जाकर के चेंज करना होता है, दैट इज कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसे केवल रीड किया जा सकता हो। रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहां पर डेटा आपका टेम्परेरीली स्टोर होता है, और टेम्परेरी स्टोर होने का मतलब है कि जब आपके कंप्यूटर में लाइट है, कनेक्टिविटी है, तो आपका वो डेटा काम कर रहा होगा, लेकिन लाइट चली जाती है, कंप्यूटर एकदम बीच में बंद हो जाता है, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वापस तो आपको वो डेटा आपको रिकवर होकर के नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि अगर हम रैम की बात करें तो रैम का अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम अगर मॉनिटर पर डिस्प्ले देख पा रहे हैं तो वो रैम की हेल्प से देख पा रहे हैं, बिना रैम के हमारे पास में करंट में कोई भी डेटा एक्टिवेट या कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं हो सकती है। रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी, तीनों में एक डिफरेंस दे दिया है कि व्हेन यू आर डूइंग टास्क ऑन योर कंप्यूटर यू यूज रैम, जब भी आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप रैम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आपका टेम्परेरीली स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को और इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है अगर कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, और इन्फॉर्मेशन को कैन बी इजीली चेंज और बहुत आसानी से इसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि रन टाइम पर जब कोई एप्लीकेशन चल रही होती है तो वो आपके रैम के अंदर स्टोर होती है, और जब आप उसी एप्लीकेशन को सेव बटन की हेल्प से किसी ड्राइव में सेव कर देते हैं तो वो आपकी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम से वो डेटा ट्रांसफर होकर हार्ड डिस्क में, जो आपके कंप्यूटर में लगी हुई एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें डेटा हमेशा स्टोर रहता है, वहां पर जाकर स्टोर हो जाता है। फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव भी समझ सकते हैं, सिंपली ये यूएसबी ड्राइव होती है। मदरबोर्ड के बारे में बात की गई है तो मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर में लगी हुई वो डिवाइस जिसके अंदर बहुत सारे कनेक्टिविटी के पॉइंट्स जुड़े हुए होते हैं, यानी ये वो प्लेट है जिसके साथ में आप हार्ड डिस्क, आपके सीपीयू के जो
मेन प्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर, आपका डीवीडी राइटर और आपके कीबोर्ड माउस के जो वायर हैं या और अदर जो मेन इंपॉर्टेंट डिवाइसेस पॉइंट्स हैं, वो सारे आपके मदरबोर्ड पर जाकर कनेक्ट होते हैं। यानी मदरबोर्ड वो प्लेट है, वो एक एरिया है जहां पर इस सरफेस पर सारा डिजिटल टेक्नोलॉजी का वर्क ट्रांसफर होता है। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम परमानेंट स्टोरेज करते हैं तो सीडी में डेटा स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी मार्केट में अवेलेबल हैं कि अगर हमें पेन ड्राइव एक बहुत छोटी हो जाती है, 64 GB तक चले गए, लेकिन हमें चाहिए कि भाई एक 1 TB तक अगर हम पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो हम वो मार्केट से इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। यहाँ एक मेजरमेंट यूनिट की बात की है, सिंपल 8 बिट का एक बाइट होता है और 1024 बाइट का मिलाकर के 1 KB होता है। 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB फॉर मेगाबाइट और 1024 MB कॉल्ड 1 GB, 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB। इस तरीके से भी ये क्रम आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन सिंपली हम ये जो डेटा का मेजरमेंट यूनिट है ये थोड़ा सा समझ लिया है कि हमें इसमें सबसे जो छोटी यूनिट है वो आपकी बाइट हो जाती है, बिट हो जाती है, बिट के बाद आपकी बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, आपके मदरबोर्ड में बैक साइड पे जितने भी सीपीयू के अंदर आपके होते हैं जहां पर आप किसी केबल को अटैच करते हैं तो दैट विल कॉल्ड पोर्ट। तो यहां पर कुछ डिस्प्ले के लिए भी उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि यूएसबी का पोर्ट होता है, और आप प्रिंटर का कनेक्टिविटी करते हैं तो ये USB-B पोर्ट होता है, आपका VGA पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, आपके माइक्रोफोन के लिए अलग पोर्ट है, स्पीकर के लिए अलग अलग पोर्ट होता है। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं जिनमें हम किसी प्लग करते हैं तो दैट विल कॉल पोर्ट या कनेक्टर भी हम इन्हें कह देते हैं। सेशन 5, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। सो कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन क्या है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारे जो कंप्यूटर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कि कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सब हमने लगा दिया तो ये हार्डवेयर हो गया, लेकिन इस हार्डवेयर को चलाने वाला भी कोई है तो दैट विल कॉल सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है दैट विल कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को पूरा का पूरा ऑपरेट कर पाते हैं। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करना हो तो हमारे पास सिंपली ऑप्शन होता है कि पावर बटन हम ऑन करते हैं और वो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म होते हैं जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है या उस फंक्शन के प्रोसेस को कहा जाता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग, और इसकी हेल्प से हमारा कंप्यूटर पूरा स्टार्ट हो जाता है। कुछ फाइलें होती हैं जिसमें कंप्यूटर उन्हें लोड करता है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और फिर उन्हें चेक करता है, वेरीफाई करता है कि कहीं कोई डेटा डैमेज तो नहीं है, और इस हिसाब से जो है ये हमारा जो फंक्शन है परफॉर्म करने का कंप्यूटर का ये शुरू हो जाता है। उसके बाद लॉग इन एंड लॉग आउट के लिए आपके पास में एक विंडोज के ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन आ सकती है। अगर आपने पासवर्ड सेट किया है तो वो पासवर्ड आपको डाल करके लॉग इन करके आप अपने सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं। शटिंग डाउन योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर को फिर शट डाउन कर देते हैं, बंद करना चाहते हैं तो शट डाउन करेंगे सिंपली, और शट डाउन करने के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कीबोर्ड का यूज कैसे करना है, तो कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं कि F1 से लेकर के F12 तक ये फंक्शन कीज होती हैं। आपके नम लॉक, आपका पेज ब्रेक, या आपकी बात करें कि पेज को नीचे लेके आना, पेज को ऊपर लेके जाना, तो ये सब भी कुछ आपका कीबोर्ड की जो फंक्शन कीज हैं, नेविगेशन कीज कहते हैं। लेफ्ट में फिर आपकी कुछ कमांड कीज हो जाती हैं, कुछ कंट्रोल कीज हो जाती हैं। कंट्रोल कीज में आपका कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ये हो गया। एंटर की अपनी एक अपने आप में की हो गई। पंक्चुएशन कीज में आपको सेमी कॉलन लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेविगेशन कीज में आपको होम, एंड, पेज एडिट, ऐसे किसी ऑप्शन पे जाना है। कमांड कीज में आपको इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस, ये कुछ बटन्स का यूज करना है। विंडोज की में आपको स्टार्ट मेन्यू के लिए सिंपल कंप्यूटर के कीबोर्ड से स्टार्ट का बटन दबाना है। तो ये कुछ कंप्यूटर के कीबोर्ड की कीज के बारे में बात हो रही है। लगभग 100 से 110 के करीब में स्टैंडर्ड कीज आपको किसी भी कीबोर्ड में मिल जाएंगी। ऐसे ही माउस का भी ऑप्शन है। माउस में हमारे पास में एक रोल ओवर होवर होता है, यानी कि बीचों बीच उसमें एक स्पिनर लगा होता है जिसकी हेल्प से हम अपने कंटेंट को अप डाउन या आगे पीछे करने का काम कर लेते हैं। उसके बाद एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। हम जब किसी चीज पर लेफ्ट डबल क्लिक करते हैं तो वो डेटा जो है हमारा ओपन हो जाता है, और राइट क्लिक करते हैं तो इट मीन्स उस डेटा के साथ में कोई जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज हमें नजर आनी शुरू हो जाती है। हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं माउस की हेल्प से, किसी कंटेंट को किसी दूसरे लोकेशन पर पहुंचाने का काम भी कर लेते हैं। सेशन 6, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। अगर हम बात करें कंप्यूटर के बेसिक फाइल ऑपरेशंस की, कंप्यूटर में किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं, फाइल और फोल्डर क्या होता है। सो ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज कैप्ड इन फाइल्स।
कि जितना भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है वो फाइलों की फॉर्म में स्टोर होता है, वो किसी ना किसी कंप्यूटर की कोई ना कोई फाइल होती है, चाहे वो आपके एमएस वर्ड के, अगर कोई आपने कोई लेटर लिखा है तो आपकी वर्ड फाइल हो गई है, एक्सेल में आपने किसी शीट पर कोई कैलकुलेशन किया तो दैट विल कॉल्ड आपका एक्सेल की फाइल हो गई है, पावर पॉइंट की फाइल हो गई है, आपके MP3 सॉन्ग्स पड़े हुए हैं तो दैट विल कॉल्ड ऑल्सो है फाइल्स। तो ये कुछ फाइल्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं किसी एप्लीकेशन की हेल्प से, यानी कि आप नोटपैड की हेल्प से .txt करके डेटा स्टोर करते हैं तो ये आपका जो है एक नोटपैड की फाइल बन जाती है, MP3 फाइल बन जाती है, JPG फाइल्स बन जाती हैं, तो बहुत तरीके की फाइलें हैं। और फोल्डर की बात करें तो फोल्डर वो लोकेशन होती है जहां पर ये फाइलें स्टोर की जाती हैं। जैसे माई डॉक्यूमेंट अपने आप में एक फोल्डर है, बड़ा फोल्डर है जो पहले से इंस्टॉल्ड है। आप चाहें तो अपने नाम से कुछ फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप अपना डेटा उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर इजीली इंसर्ट कर पाते हैं। क्रिएटिंग अ फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर इन Ubuntu, तो Ubuntu भी अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने अब तक विंडोज पढ़ा है तो यहाँ पर Ubuntu के बारे में बताया गया है। Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट फाइल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपने टेक्स्ट एडिटर खोलना है और एडिटर को टाइप करने के बाद में आप उसके अंदर कोई एंट्री कर लीजिए और सिंपली आप उसको सेव करेंगे तो आपका एक टेक्स्ट एडिटर के थ्रू आपकी एक नोटपैड वाली फाइल या यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं Ubuntu में, तो टेक्स्ट एडिटर की फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी। डेटा ट्रांसफर स्पीड ओवर द नेटवर्क इंक्लूडिंग द इंटरनेट इट कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड, तो एक्चुअल में ये डेटा जो है आपका बिट्स के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। इंटरनेट ब्राउजर के बारे में बात करें, जिनकी हेल्प से हम वेबसाइट चलाते हैं वो हमारे इंटरनेट ब्राउजर होते हैं, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये बहुत ईजी कंटेंट है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये सब मोज़िला फायरफॉक्स, ये सब चीजें आपके वेब ब्राउजर हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हैं। सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, तो हम सर्चिंग करने के लिए गूगल यूज करते हैं, बींग यूज करते हैं और बहुत सारे सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम अपने कंटेंट को सर्च करने की कोशिश करते हैं। सेशन 8 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, तो वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे हमने पहले डिस्कशन कर ही लिया है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और ये यहाँ पर कुछ चीजें स्टोर करता है, एक वेब पेज, वेब ब्राउजर, अ सिस्टम टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड वेब पेजेस। तो यहाँ पर कुछ बात की जा रही है कि अगर WWW की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एज शोन सिम्बॉलिकली। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कलेक्शन है ये और इन सबसे कुछ चीज़ें बनती हैं, तो वो सब डिस्कशन यहाँ हो रहा है कि वेब पेज क्या है। जब भी हम किसी वेबसाइट के किसी पेज को ओपन करते हैं तो दैट विल कॉल्ड अ वेब पेज, यानी अ पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब पेज। इंटरनेट पर जो पेज हमें नजर आते हैं दैट विल कॉल्ड अ वेब पेज, और ऐसे सभी वेब पेजों को जब एक साथ इकट्ठा जोड़ दिया जाता है तो दैट विल क्रिएट अ वेबसाइट। और इन्हें जोड़ने के लिए हम जो है कनेक्टिविटी इजीली कर पाते हैं, लिंक्स की हेल्प से हम कंटेंट पर मूव करते हैं, दैट विल कॉल्ड हाइपरलिंक कनेक्टिविटी, और उसी की हेल्प से ये वेब पेजेस इकट्ठे होकर के वेबसाइट बन जाते हैं। वेब ब्राउजर हमने अभी डिस्कशन किया ही है कि जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट या वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर कुछ वेब ब्राउजर्स की लिस्ट दी है, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा, तो ये कुछ आपके वेब ब्राउजर्स हैं। हाइपरलिंक्स की बात हो रही थी कि कनेक्टिविटी को हम हाइपरलिंक्स कहते हैं, जब किसी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम किसी पर्टिकुलर ऑप्शन दूसरे ऑप्शन पर चले जाते हैं दैट विल कॉल्ड हाइपरलिंक। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो सकते हैं कि भाई टैब्ड ब्राउजिंग है, हम एक साथ कई सारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, किसी वेबसाइट्स में आगे पीछे जाया जा सकता है बैकवर्ड लेफ्ट बटन की हेल्प से, रिफ्रेश कर सकते हैं साइट के कंटेंट को, और हम सिंपली किसी भी ब्राउजर को खोलने के लिए आपके पास में स्टार्ट पे जाना है और आपने उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है और आपको सर्च बार पर जाकर के उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना है, दैट विल इजीली यू कैन एक्सेस द इंटरनेट और यू कैन इजीली एक्सेस एनी वेबसाइट ऑन अ वेब ब्राउजर। सेशन 9 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन टू ईमेल, सो ईमेल की हेल्प से हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, सो हाउ डज द ईमेल वर्क, ईमेल किस तरीके से काम करता है। तो आज से काफी साल पहले की बात करें तो अगर हम पोस्ट मेल भेजते थे तो हम किसी का एड्रेस लिखते थे, कहाँ हमें भेजना है, कौन उसे भेजने वाला है, क्या सब्जेक्ट है, क्या कंटेंट है, सेम काम हम ईमेल पर भी करते हैं, बस थोड़ा सा डिफर हो जाता है कि जब हम पोस्ट भेजते थे तो हम घर का पता लिखते थे और आज हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल का पता लिखते हैं, जिसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। ईमेल आईडी और ईमेल एड्रेस, बेसिकली जो मेल आईडी होती है वो जिस कुछ इस तरीके से ही हो जाती है, जैसे cbse@gmail.com, तो cbse आपका जो है यूजर नेम हो जाता है और gmail.com आपका डोमेन नेम हो जाता है, और @ वो एक सिंबल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी यूजर नेम को और डोमेन नेम को अलग करते हैं। द पार्ट बिफोर द @ सिंबल इज क्रिएटेड बाई द यूजर, की ये यूजर के द्वारा क्रिएटेड होता है, और जो @ के बाद का कंसेप्ट होता है वो आपके उस
वेबसाइट का पार्ट होता है या उस डोमेन का पार्ट होता है जिसकी सर्विसेज को हम यूज कर रहे होते हैं। ईमेल के क्या क्या फायदे हैं, तो हमें इजीली पता है कि हम इजीली डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और हम किसी भी डेटा का रिस्पांस भी तुरंत ले सकते हैं और हम उसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर ऐसे कोई भी फॉर्मेट में डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर पाते हैं ईमेल की हेल्प से। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट सेशन 10। एक ईमेल अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना है तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, याहू पर क्रिएट करना है, गूगल पर क्रिएट करना है या आउटलुक पर कोई मेल बनानी है, हॉटमेल जिसे हम जनरली कह देते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए, एमएसएन का आपको एक मेल क्रिएट करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे, इस टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट पर आगे बात की है कि सिंपली आपको क्रिएट अकाउंट पर जाना है, वहां पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और आपको एक डिजायर कुछ चीजें भरनी होंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी होंगी, आपका अपना जेंडर सेट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने एक स्टेप बाय स्टेप डन करके अपने ईमेल अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सेशन 11 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग राइटिंग एन ईमेल। अब आपने ईमेल बना लिया और अब आप ईमेल को लिखना चाहते हैं, अब आप ईमेल पर काम करना चाहते हैं तो आप ईमेल को कैसे लिखेंगे, किसी के लिए आपने ईमेल भेजना है कहीं पर तो आप किस तरीके से काम करने वाले हैं, तो आपको सिंपल अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के ईमेल को साइन अप करना पड़ेगा, साइन इन होना पड़ेगा और उसके बाद आप कंपोज बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपको एक न्यू मैसेज ऑप्शन आने वाला है, वहां पर आप टाइप करेंगे टू मर किसको आपको मेल भेजना है, सीसी कार्बन कॉपी किसको भेजनी है, एक आता है बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो आप वहां से जिनको उनके अलावा किसी को भेजने और पता ना चले भेजने वाले सेंटर को कि भाई आपने किस किस को डेटा भेजा है तो आप उन्हें बीसीसी के अंदर ऐड कर देते हैं। एक सब्जेक्ट पार्ट होता है जहां पर आप जिस मेल का क्या टॉपिक है उसको आप यहां मेंशन करते हैं और फिर मेन बॉडी पार्ट जहां पर आप मेन मेल का कंटेंट टाइप करते हैं। टू सीसी सब्जेक्ट मेन बॉडी सेंड बटन, ये पूरा एक छोटा सा प्रोसेस रहता है कि आप इस तरीके से प्रोसेस में चलते हैं तो आपका इंटरनेट वाली जो लाइफ है वो आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए मेल्स के थ्रू बहुत इजीली एक्सेस हो जाती है। अटैचिंग अ फाइल टू एन ईमेल, तो ईमेल के साथ में आपको कोई फाइल अटैच करके भेजनी है तो वो आप कैसे भेजेंगे, सिंपल आपके लिए अटैच बटन अवेलेबल होता है जीमेल के अंदर, वहां से आप अटैच बटन में क्लिक करें और अपने फोल्डर को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके आप इजीली अटैचमेंट कर सकते हैं। कुछ फोल्डर होते हैं आपके जीमेल अकाउंट्स के अंदर जिन्हें समझना हमें बहुत जरूरी है, जैसे इनबॉक्स, अगर हमारा कोई भी मेल हमें रिसीव होता है तो वो इनबॉक्स में आता है, सेंट, हमने कोई मेल किसी को भेज दिया होता है तो वो सेंट में आता है, ड्राफ्ट, हमने कोई मेल बनाया लेकिन हमने उसे कहीं भेज नहीं पाया तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है ताकि हम उसे इन फ्यूचर यूज कर सके, जंक के स्पैम वो फोल्डर होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, वो ऐसी मेल्स को स्टोर करते हैं, ट्रैश एक फोल्डर होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे रिसाइकल बिन होता है ऐसे ही आपके जीमेल अकाउंट में ट्रैश होता है जिसके अंदर आप अपना बेकार डेटा यूज करके उसमें मतलब उसमें डाल सकते हैं, ट्रैश के अंदर भेज सकते हैं और फिर वहां से ट्रैश को भी आप फ्री कर सकते हैं। सेशन 12 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग रिसीविंग एंड रिप्लाइंग टू ईमेल्स। अब आपने मेल भेज दिया, अब आपको कोई मेल मिलता है तो आप उसे रिसीव कैसे करें और रिसीव करते हैं तो फिर उसका जवाब कैसे दें, तो इनबॉक्स में आपके वो मेल नजर आ जाता है और जैसे ही आप उस मेल पर क्लिक करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर पर रिसीव हो चुका होता है। अब वो मेल आपके लिए खुलता है और आप उसमें कुछ कंटेंट आपके लिए आया तो आप उसे पढ़ सकते हैं, कोई फाइल है तो आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और फिर आप उसको उसी पर वहीं पर एक रिप्लाई और फॉरवर्ड बटन होते हैं, फॉरवर्ड की हेल्प से हम अपनी मेल को किसी दूसरे को भेज सकते हैं आई हुई मेल को, रिप्लाई की वजह से हम उस आई हुई मेल के ऊपर कोई जवाब दे सकते हैं और डिलीट की ऑप्शन में डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं ईमेल को। तो यहाँ पर ईमेल को फॉरवर्ड करने के लिए और डिलीट करने के लिए स्टेप्स बताए गए हैं, तो हम इसका प्रैक्टिकल सेशन के लिए एक वीडियो और अलग से इसके पार्ट टू पे हम क्रिएट करेंगे इस यूनिट 3 को लेकर के, तो अभी के लिए हम इस यूनिट को केवल थ्योरी वाले कंसेप्ट को यहीं पर ओवरअप करते हैं। कोई कंटेंट हमसे अगर कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके लिए डीपली पूछ सकते हैं अलग से, अदरवाइज अभी हम इसका एक सेकेंड पार्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम पूरे जीमेल को किस तरीके से एक्सेस करते हैं उसमें हम इसको बताने की कोशिश करेंगे।